गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? चलो, मेडिवल वाली कहानी को आगे बढ़ाने का मतलब चौथा लेक्चर आपके सामने है और मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जल्दी जल्दी पहले तो एकदम गोली की रफ्तार से पहुंचो, फटाफट पहुंचो और जल्दी जल्दी अपनी कॉपी निकाल के मेडिवल वाली कहानी को आगे बढ़ाओ। लेट मी जस्ट चेक इट आउट कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है, तो फिर आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को। लेट मी जस्ट चेक इट आउट। मुझे लगता है ठीक है यार। एक तो इसमें ना ऐड इतने आने लगते हैं ना कि मतलब वेट करना पड़ जाता है थोड़ा सा। सो गाइस, आई अभिषेक एज योर एडुकेटर मेंटर इंस्ट्रक्टर स्वागत करता हूँ आप लोगों का। जल्दी से पहुँचिए आप लोग, कृपया कीजिए मेरे ऊपर और जल्दी से पहुँचिए। 5-7 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुका है, ठीक है। और यस, आशुतोष, ब्रजेश, संदीप, भावना, ब्रजेश, रवि, संतोषी, मेघना, वरद, सिद्दकी, नंदन, शिल्पी, सुजल, हरेंद्र, मनु, भावना, तान्या, वरद, ठीक है। गाइस देखो, एक बात बताता हूँ मैं, जितने भी नए लोग हो ना, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़, मतलब जैसे ये मेडिवल वाला सेगमेंट शुरू हुआ है, ठीक है, तो इसको ना फिर मान लो कि जो लोग मेडिवल से मेरे से जुड़े हैं, ठीक है, यूपीएससी 101 से जुड़े हैं, तो मेडिवल की कहानी को आगे बढ़ाना, पूरा ख़त्म करना, ठीक है। फिर आप गुरुकुल 2 वाला जो प्रोग्राम है उसके लेक्चर में जाके, ठीक है, और फिर उसमें वहाँ पे सारी क्लासेज आपकी हैं, फिर आप एंशिएंट ख़त्म करना, मॉडर्न ख़त्म करना। ये मेरी गारंटी है कि आप कोई भी सेक्शन कहीं भी करते हो ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा, एक बात पहले ही मैं बता दूं, 2-3-4 वीडियोज अगर प्राइवेट दिखेंगी, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। उसमें से 1-2 तो वो है जो टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैंने प्राइवेट करवाए हैं, और 1-2 जो मैप वाला मुद्दा था उसकी वजह से हुआ है, तो वो किसी भी तरीके से तो मिलेंगे। यू हैव द 100+ वीडियोज इन द हिस्ट्री सेगमेंट, कंप्लीट मॉडर्न एंशिएंट और मीडियवल आपके सामने है, और कैसा है ये देख के आप खुद ही उसे एडजस्ट कीजिएगा। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इतना ही कहना चाहूँगा एक शब्दों में कि प्रीलिम्स में से अगर इस कंप्लीट कोर्स को करने के बाद आपके 10 में से 8 क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना, तो मेरे को जो कहना है तुम कह लेना, ठीक है। दैट्स माय वर्ड टू यू। सो गाइस, आई अभिषेक एज योर एडुकेटर इंस्ट्रक्टर एंड मेंटर वेलकम यू राइट हेयर। अभी देखता हूँ मैं कौन कहा है, दिस इज लेक्चर नंबर 4। मैंने टॉपिक्स इसलिए नहीं रखा है बिकॉज ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगा मुझे, ठीक है। लेक्चर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ना आप बिल्कुल एकदम सिंक्रोनाइज तरीके से फ्लो में सिक्वेंशियली आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। सो और इसके बाद ये बात और भी बता दूं मैं, स्पेशल क्लासेस ये मिस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि मैं चाहे अपने न्यूज़पेपर सेक्शन दैनिक जागरण के लिए आऊं, या फिर स्पेशल क्लासेस के लिए आऊं, या फिर प्लस क्लासेस के लिए आऊं, या फिर यूट्यूब पे आऊं, इन चारों जगहों पे मैं चीज़ों को ऐसे करने की कोशिश करता हूँ कि चारों का एक एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट तुम महसूस कर सको। जैसे दैनिक जागरण वाले सेशन में जिसमें आप लोग नहीं आते हो, आया करो, बहुत लोग आते हैं, और जो आते हैं दे आर लाइक हाईली क्या कहते हैं इट इज़ टर्निंग आउट टू बी हाईली एडवांटेजियस फॉर देम। सो एक बार आके देखा कीजिए कि दैनिक जागरण वाला सेशन ये जो 12 बजे रोज रोज होता है उसमें क्या कराने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो ये जो मेरा पर्पस है यहाँ पे, मैं आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने की आपकी कोशिश करता हूँ। दैनिक जागरण मेरा कंप्लीटली डेडिकेटेड उसी को होता है। स्पेशल क्लासेस पे मैं वैसे टिडबिट्स लेके आता हूँ जो बेसिकली बाकी कहीं जगहों पे और नहीं आके हो पाता है मेरे से, ठीक है। स्पेशल क्लासेस जैसे तालिबान का ओरिजिन, मैंने बायोलॉजिकल टाइम, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ये सारी बातें मतलब जो आती रहती हैं, वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, लेकिन कहीं बताया नहीं जाता, वो मैं स्पेशल क्लास पे लेके आता हूँ। और डेफिनेटली कल सिद्दीकी साहब ने मेरे को मतलब किसी ने सिद्दीकी साहब ही थे शायद या पता नहीं किसने मतलब ये कहा था कि सर रिवॉल्यूशन थोड़ा सा बता दो हम लोगों को, लाइक अमेरिकन रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे नामों के बारे में। तो वो भी बेसिकली स्पेशल क्लासेस पे मैं करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे भी बनिए आप, ठीक है। AR101 मेरा कोड है, इसे यूज करना है आपको, स्पेशल क्लासेस में आपको एंट्री मिल जाती है। मोर देन दैट, यूट्यूब तो आपके सामने है ही, जहाँ पे अभी मेडिवल मेरे को खत्म करना है ताकि गुरुकुल 2 का कोर्स कंप्लीटली खत्म हो जाए। उसके बाद बेसिकली फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे, सैटरडे, संडे एनसीईआरटी शुरू हो ही चुका है। ओल्ड वाली एनसीईआरटी मैं आप लोगों के पास लेके आऊंगा, बिकॉज अगर ओल्ड वाली एनसीईआरटी हिस्ट्री में अमृत है तो नई वाली एनसीईआरटी बिल्कुल मतलब चापाकल का पानी भी नहीं है। तो ओल्ड वाली एनसीईआरटी 6-12 तक एकदम मेंस के पर्सपेक्टिव से मैं कराऊंगा, दैट्स माय वर्ड टू यू। और इस क्लासेस में मैं मेंस के सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आपके सामने लेके आऊंगा। मोर देन दैट, 6-12 हिस्ट्री आप करते हो तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ जाता है 11th की किताबों में। सो कंप्लीटली आपका मेंस प्रिपेयर हो जाएगा इस सेगमेंट से, दैट्स माय वर्ड टू यू, बसरते आप इन चीजों को देखते हो और उस तरीके से उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हो जो मैं कहता हूँ। सो हर जगह बेसिकली जो मैं चीजें लेके आता हूँ ना गाइस, वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करती है, रिपीटेशन कहीं नहीं होता।
सो प्लीज बी ए पार्ट ऑफ माई दिस एफर्ट. ठीक है, आगे पहुंच गए सब. ठीक है, अभी मैं देखता हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट शेयर कर दो इसे थोड़ा सा, मतलब ये काम कर दिया करो मेरी तरफ से, शेयर कर दिया करो चारों तरफ. ठीक है, ये कोड याद रखना, ये यूज करके अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो डेफिनेटली मैं आपको मेंटर कर सकता हूँ. मतलब ये मेरा एक इंस्टीट्यूशनल राइट होता है कि अगर किसी स्टूडेंट ने मेरा कोड यूज किया है तो मैं उसको पर्सनलाइज मेंटरिंग दे सकता हूँ. ठीक है, सो AR101 दैट यू नीड टू रिमेंबर. मोर देन दैट, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, इससे जुड़िए आप लोग. यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस ना पूछा कीजिए. YouTube के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछने से मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा. ठीक है, ये तो ऐसी एक घंटे की क्लास होती है. ठीक है, उसमें 15 मिनट तो ऐसे ही जाता है, 45 मिनट्स की मुश्किल से क्लास हो पाती है. सो स्टडी विथ अभिषेक _Unacademy एक माध्यम है जहाँ पे सारे वीडियो अपडेट्स तुम्हें मिलेंगे, प्लस उसके बाद ना सारे तुम्हें, मतलब क्या कहते हैं, मेरे से यहाँ पे बात करो ना यार, मैंने मना थोड़ी ना किया है किसी को, सबको जवाब देता रहता हूँ मैं. ठीक है, जब भी संभव, जैसे भी संभव हो पाता है, लेकिन YouTube कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन मत पूछा करो. ठीक है, वो संभव नहीं होता, एक तो दिखता नहीं, दोबारा संभव नहीं होता. एंड दिस इज अगेन माय एडुकेटर्स कोड AR101 जो आपको याद रखना है स्पेशल क्लास के लिए, कम्बैट के लिए या फिर सब्सक्रिप्शन के लिए, राइट. तो चलिए आप आगे कहानी बढ़ाते हैं. जैसा कि आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पे, कन्फ्लिक्ट की कुछ बात हो रही है. ठीक है, विवाद का युग, द एज ऑफ कन्फ्लिक्ट, कौन सा, 1000 से लेकर 1200 AD. ध्यान दो, थोड़ा पीछे जाओ, मैंने हमेशा हिस्ट्री में टाइमलाइन को इंपॉर्टेंट माना है. सो थोड़ा सा पीछे जाओ, पिछले जो 3-4 लेक्चर्स में हमने क्या किए हैं उसको जरा थोड़ा सा रिकैप करो. शुरुआत हमने पोस्ट हर्षवर्धन एरा से की, कि हर्षवर्धन एरा के बाद ही मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है. सो वो टाइम बेसिकली 800 से लेके 1000 AD तक था, जिसमें आपने नॉर्थ इंडिया में देखा तो आपने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल देखा, और ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष, और साउथ इंडिया में आपने बेसिकली चोलाओं का उत्थान देखा, जो पिछली क्लास में आपने देखा है, चोलाओं का उत्थान देखा. डेफिनेटली भारत में अगर साम्राज्यों की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट लॉन्ग लिविंग एम्पायर्स ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट लिविंग, डेफिनेटली लॉन्गेस्ट लिविंग. सो ये साउथ की कहानी थी. अब ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, जो त्रिपक्षीय संघर्ष है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों का, वो 1000 AD तक आते आते वो मामला खत्म होने लगता है. पाल भी खत्म होने लगते हैं, प्रतिहार भी, राष्ट्रकूट भी, नए नए साम्राज्य पनपने लगते हैं. ठीक है, वो मैंने बात की है लास्ट 3 क्लासेस में, तो आप समझ रहे हो. ठीक है, सो 1000 से लेके 1200 AD में, मतलब अब अगले फेज में आओ. ठीक है, नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि नए नए राजपूत डायनेस्टीज, राजपूत वंशों का जन्म होता है. नाउ दिस एज ऑफ कंफ्लिक्ट इज रिगार्डिंग द कंफ्लिक्ट ऑफ ऑल दोज राजपूत डायनेस्टीज व्हिच हैज सडनली इमर्ज्ड, ठीक है, इन नॉर्थ इंडिया इन दैट पोस्ट ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद, बेसिकली 1000 से 1200 AD के मध्य उत्तर भारत में राजपूत साम्राज्यों का जो उत्थान, जो इमर्जेंस होता है, ठीक है, उसी की ये कहानी है जो हम करने वाले हैं. और आप जानते हो, पैरेलल में कुछ मत भूलना, आप जानते हो कि अरेबियन इन्वेजन, मध्यकालीन जो इस्लामिक काल है, वो तो 8वीं शताब्दी से ही शुरू हो चुका है. ठीक है ना, मोहम्मद बिन कासिम 712 AD, वो तो आक्रमण शुरू हो ही चुका है. सो वो वाला मुद्दा मैं अभी लेके ही नहीं आया हूं, लेकिन लेके नहीं आया हूं दैट डजंट मीन कि वो पैरेलल में चल नहीं रहा है. ऐसा नहीं कि भाई ये पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल करने के चक्कर में तुम ये भूल जाओ कि अभी आक्रमण में नहीं हो रहे हैं, नहीं, इसीलिए तो हिस्ट्री समझ में नहीं आता बेसिकली. ठीक है, पैरेलल में वो कहानी भी चल रही है, लेकिन वो वाला मुद्दा मैंने अभी तक टच किया नहीं है. ठीक है, सो अभी हम बेसिकली थोड़ा सा इन चीजों को देख लेते हैं, उसके बाद उनको लेके आएंगे, कोई दिक्कत होती नहीं है. अगर टाइम मिला तो आज ही हम बेसिकली उस मध्यकालीन आक्रमण की परंपरा को या प्रक्रिया को शुरू कर देंगे, देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं. सो फिलहाल ये कहानी जो 1000 से 1200 AD तक की है नॉर्थ इंडिया में, वो राजपूतों की इमर्जेंस की है. और ध्यान रहे, पैरेलल में इन्वेजन्स, ठीक है, मिडिल ईस्ट से शुरू हो चुके हैं, वो तो 8वीं शताब्दी से ही शुरू हो चुके हैं, राइट. सो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाइए. टाइमलाइन बेसिकली आपने देख लिया, और देखो यही बेसिकली है, लगभग 1200 एडी में भारत के नक्शे को हम देखें, 1200 एडी में, तो ये देखो, मतलब ये तस्वीर देखो, ये चौहान्स देख रहे हो, तोमर्स देख रहे हो, परमार्स देख रहे हो, सोलंकीज देख रहे हो, ठीक है, इवन दिस गहद वल्लवाज, कनौज वाले क्षेत्र में चंडेलाज देख रहे हो, पालाज, ये तो वही है त्राइपार्टाइट स्ट्रगल वाले. ये सारे बेसिकली ना रो राजपूत डायनेस्टीज हैं जो 1000 से 1200 AD के बीच में पनपे हैं. और इन सब के प्रोसेस में इधर से आक्रमण तो आपका शुरू हो ही चुका है. सो यही, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, फिर बेसिकली हम इन विजन्स की तरफ
इन्वेजन्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सो चलिए राइज ऑफ राजपूत से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार देख लो सब आगे कहाँ हो भाई, अभी तक कोई दिख नहीं रहा, सब इतनी ही, मतलब यही प्यार, यही मोहब्बत और यही सिविल सर्विसेज। भावना, हरेंद्र, हरेश, श्री, ऑल राइट, लाइबा, नीरज, आशीष, एकता, गौरी, ठीक है, ज्योति, कैसे हो कॉमरेड, भावना, संतोषी, मेघना, एकता, जल्दी जल्दी आइए भाई, कहाँ गायब हो गए हैं आप लोग। ठीक है, ऑल राइट, शैलेंद्र, शुरवीन, अनु, वरद, हरेश, एकता, श्रेया, मोनिका, देन यू हैव दिस, दीक्षा, चलिए ठीक है, फटाफट आओ, बाकी सब कहाँ हो। मैं चाहता हूँ कि अच्छे से ये कहानी जो शुरू हुई थी, अनुष्का इज देयर, सुप्रिया इज देयर, ऑल राइट, वैदेही इज देयर, ठीक है, तो चलिए आइए जल्दी जल्दी, अब तो शुरू हो चुका है। ठीक है, यस सुस्मिता, अनुष्का, सुजाता, मोहित, पायल, हरेश, सोनू, नाइस टू सी यू, गोलू, सुप्रिया, अभी ये बैगन क्यों भेज रहे हैं यार, बैगन महिमा यार, हद लड़की हो तुम्हारी, इमोजीज तो मैं देखी हूँ, बैगन क्यों भेज रही हो मुझे, मेरे को बैगन ठीक लगता है बट इतना ठीक नहीं लगता, रोजेज आर ओके, ठीक है, इमोटिकॉन्स आर ओके, प्रणाम इज ओके, बैगन क्यों भेज रही है ये लड़की मेरे को, गजब है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, कोई ब्लैक करंट भेजो मेरे को। कुसुम, हितरानी, दीक्षा, खान साहब, शैलू, शिवलीला, प्रियंका, चलो शुरू करो। सो राजपूत की कहानी कॉपी निकाल के सामने रखिए, और प्रारंभ हो चुका है लेक्चर नंबर 4 मीडियावल इंडिया का। संडे तक मीडियावल इंडिया हमें खत्म कर देना है, बिकॉज मंडे से प्रीफेक्टो शुरू हो जाएगा, तो एनसीईआरटी और प्रीफेक्टो दोनों शुरू हो जाएंगे, तो फिर इसके लिए स्कोप बचेगा नहीं। ठीक है, सो राजपूत की कहानी 1000 से 1200 AD, ये नॉर्थ इंडिया की कहानी है, इसके बारे में हम जरा देखने जा रहे हैं। ठीक है, राजपूत टर्म जो है वो बेसिकली संस्कृत शब्द राजपुत्र से पनपा है, ठीक है, जिसका मीन्स राजा का बेटा, एक रॉयल लीनियज को एंजॉय करने वाला। ठीक है, सिद्दीकी साहब, संदीप, हरेश, महिमा, अभी नहीं किया था कि ब्लैक करंट में विटामिन सी होता है, तो मैंने ब्लैक करंट भेज दिया। महिमा ब्लैक करंट भेजा, तुमने बैगन भेज रही हो लड़की, बैगन भेज के अभी दीप्ति का ब्लैक करंट आ गया। ठीक है, सुरवीन इज देयर, ठीक है, रोहित इज देयर, यस, मेघना इज देयर, ऑल राइट, गुड इवनिंग, ब्लैक करंट की जगह बैगन भेज रही हो, बोलती हूँ मैंने ब्लैक करंट भेज दिया, गजब हाल है। ठीक है, तो राजपुत्र संस्कृत शब्द से, गाइस अब ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, अब बाद में देखूंगा मैं कमेंट, सो नोट्स प्रॉपरली बनता रहना चाहिए। संस्कृत शब्द राजपुत्र से पनपा है, जिसका मतलब होता है राजा का बेटा, मतलब लीनियज जो किंगशिप की एंजॉय करे। ठीक है, 12वीं शताब्दी में, मतलब इसका जो बेसिकली जो इसके ओरिजिन की थ्योरीज है ना, वो बहुत अलग अलग है कि राजपूत आए कहां से, मतलब 1000 से 1200 AD के बीच में ऐसा क्या हुआ। इसके पहले की कहानी तो तुम्हें पता ही है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हो रहा है। इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में जो गुर्जर प्रतिहार है, गुजरात राजस्थान वाले क्षेत्र में जो थे, ठीक है, सब्जी मंडी खुली हुई है, सही कह रहे हो सुजल, सब्जी मंडी खोल रही है, बैगन भेज रहे, ब्लैक करंट तो दीक्षा ने भेजा, ठीक है, नंदिनी इज देयर, रोहित इज देयर, ठीक है, संजय, सोनू, रोहित, ठीक है, चलो शुरू करो आप। उमर साहब, वालेकुम सलाम, जो भी नए लोग हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना। ठीक है, सो गुर्जर प्रतिहार, वो त्रिपक्षीय संघर्ष में एक डायनेस्टी, आप लोग गुर्जर प्रतिहार का आप लोगों को याद होगा, ठीक है, राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्र में। बेसिकली कहा क्या जाता है कि सबसे जो बहुत सारी थ्योरीज हैं जो राजपूत के ओरिजिन को एक्सप्लेन करती हैं, उसमें सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी जो है वो कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार ही राजपूतों के बेसिकली वंशज थे, मतलब इन्हीं से ये बेसिकली ओरिजिनेट हुए हैं। कुछ थ्योरी ऐसी भी कहती है कि हूंस के बेसिकली ये इनके पूर्वज थे, हूंस मध्य एशिया से जिनका आक्रमण हुआ है आएंगे यहाँ पे, बट गुर्जर प्रतिहार वाली थ्योरी सबसे प्रोफाउंड है। ठीक है, आफ्टर, देखो, राजपूत केम इन टू एग्जिस्टेंस आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ प्रतिहार एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, एवरी क्लैन इन राजपूत सोसाइटी ट्रेस्ड इट डिसेंट्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, रियल और इमेजिनरी। ठीक है, अपने पूर्वज, मतलब प्रतिहार इनके पूर्वज थे, ये सबसे डोमिनेटिंग थ्योरी है जो कही जाती है। ठीक है, कुछ राजपूतों को सूर्यवंश भी कहा जाता है, कुछ चंद्रवंशी भी कहे जाते हैं, सूर्यवंशी, वो फिल्म देखे हो ना, मुझे लगता है कि टेलीविजन पे, ठीक है, अगर कोई एक मूवी जो सबसे ज्यादा दिखाने के लिए रिकॉर्ड कायम कर सकती है बॉलीवुड की, सूर्यवंशम, अमिताभ बच्चन वाली। ठीक है, हाँ, ऑल राइट, यस महिमा, द ग्रेट कृष्णा को तुच्छ का प्रणाम। अरे ग्रेट कृष्णा, मेरे को अपने आप को तुच्छ मत बनाओ महिमा, ऐसी बात नहीं, मैंने कब कहा तुम तुच्छ हो, ठीक है, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान रखो प्लीज। हरेंद्र, पायल, बहुत बातचीत हो गई, एकदम शांत हो जाओ सब,
एक तो सब दिख नहीं रहे हो तुम लोग की, यार यही हरकत ना मेरे को दुखी कर देती है। जब मन मर्जी, ये जो मतलब मन मर्जी वाली जो हरकतें हैं ना तुम लोगों की, ठीक है, वो हरकत बहुत खराब है। कहाँ हो सब, इतने ही लोग हो, मतलब ऐसे ये कॉन्स्टेबल गिरी क्यों करते रहते हो भाई? ये कॉन्स्टेबल गिरी क्यों, मतलब सिविल सर्वेंट ये कैरेक्टर है, हद हाल है। ठीक है हीरा ठाकुर, चलो चुपचाप रहो, अब ध्यान दो पढ़ाई पे। सो सूर्यवंशी कुछ राजपूतों को बेसिकली, उन्होंने सूर्यवंशी उन्हें कहा जाता है, कुछ को बेसिकली जो अपने पांडव से, पांडव मतलब वो बेसिकली महाभारत वाले, उनसे जो अपनी एसेंडेंसी क्लेम करते हैं उनको चंद्रवंशी कहा जाता है। ठीक है, जो सूर्य से अपनी एंसेस्टरशिप क्लेम करते हैं उनको सूर्यवंशी भी कहा जाता है। ठीक है, एक बहुत और भी मतलब एक जो आप क्या देखोगे, पृथ्वीराज चौहान का नाम तो आपने सुना होगा, आगे चल के देखेंगे पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश इज वन ऑफ दिस डायनेस्टीज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सो उनके एक कोर्ट पोएट थे चंद्रबरदई, चंद्रबरदई बताऊंगा मैं उनके बारे में, चंद्रबरदई, इन्होंने एक किताब लिखी थी पृथ्वीराज चौहान की ऑटोबायोग्राफी, दैट इज पृथ्वीराज रासो। उसमें एक माउंट आबू जो पर्वत है ना, बेसिकली अरावली हाईएस्ट पॉइंट क्या है उसका, गुरु शिखर पर्वत, उस पर एक वशिष्ठ मुनि के द्वारा, ऋषि वशिष्ठ के द्वारा एक यज्ञ की बात की गई है। ठीक है, अग्निकुंड यज्ञ की बात की गई, ऐसा कहा जाता है कि भाई जो पृथ्वीराज रासो में जो चंद्रबरदई का स्टेटमेंट है वो बेसिकली ये है कि भाई उसी अग्निकुंड से राजपूतों का जन्म हुआ है। ये भी एक थ्योरी है, बता दिया मैंने आप लोगों को। और ये गुरु वशिष्ठ कौन है, ये गुरु वशिष्ठ कौन है, जब एंशियंट इंडिया में तुम लोग को पढ़ा रहा था तो मैंने जो वेदों में ऋग्वेदिक बैटल, बैटल ऑफ 10 किंग्स की बात की थी, 10 राजाओं का युद्ध, जिसके आधार पे हमने राजा भरत की ओरिजिन को ट्रेस किया था जिससे भारत नाम पड़ता है। ठीक है, तो वही 10 राजनों के युद्ध में बेसिकली मैंने बताया था एक राजा सुदास थे, और ये लड़ाई बेसिकली हुई क्यों थी, मतलब ये लड़ाई बेसिकली इसलिए हुई थी क्योंकि राजा सुदास ने अपने राजनीतिक सलाहकार गुरु विश्वामित्र को वशिष्ठ मुनि से बदल दिया था, और विश्वामित्र इस बात पर गुस्सा गए थे, और विश्वामित्र बेसिकली उन्होंने बाकी के आर्यंस को एकजुट करके, और राजा सुदास जो कि अब किंग सेंट वशिष्ठ के साथ थे, ठीक है, उनसे लड़ाई की थी, और उस लड़ाई में भी सुदास जीत गए थे। ठीक है, और वही सुदास को हम भरत कहते हैं, और उसी से नाम हमारा भारत पड़ा है। सो ये वही किंग वशिष्ठ है जिन्होंने माउंट आबू, माउंट जो अरावली रेंज है, ठीक है, उसी पर माउंट आबू दैट इज गुरु शिखर पर्वत, जो सबसे ऊंची उसकी चोटी है, ठीक है, राजस्थान वाले क्षेत्र में, दैट इज वहीं पे एक अग्निकुंड यज्ञ किया था। और एक थ्योरी ये भी कहती है कि भाई मतलब ये मिथिकल है, आप समझ रहे हो कि उस अग्निकुंड से भी राजपूतों का जन्म हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है ये, चंद्रबरदई के द्वारा। कौन है ये, पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट, कौन सी किताब लिखी है, पृथ्वीराज रासो, क्या है ये, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी, इसी में ये बात कही गई है। सो लेकिन सबसे जो प्रोफाउंड स्टेटमेंट है वो यही है कि ये गुर्जर प्रतिहारों के बेसिकली मतलब पूर्वज उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं, ये बात ध्यान रखना। और वो गुर्जर प्रतिहार कौन है वो मैंने तुमको बता दिया। सो ये अलग अलग बातें कही जाती है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ वाइट, रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द राजपूत्स, जिसमें दो थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि प्रतिहार इनके पूर्वज थे, वहां से ये ओरिजिनेट हुए हैं, और उसके बाद ये अग्निकुंड वाली थ्योरी याद रखना, हो सकता है कभी कभी इस पर बातें हो जाती हैं तो ऐसा ना लगे कि मुझे पता नहीं है। ठीक है, और तीसरी बात, कुछ कुछ कहीं कहीं लाल पीली किताबों में ना ये भी लिखा होगा कहीं कि इनके पूर्वज हूंस के, मिक्स्ड रेस है ये, हूंस ने जब भारत पे आक्रमण किया था तो हूंस बेसिकली भारतीयों के साथ, अब ये आक्रमण करते थे बहुत दिन रहते थे, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, किसी को भारतीय लड़कियां पसंद आ गई, किसी भारतीय लड़की को वहां के वीर बांकुड़े पसंद आ गए, तो परिवारें चली, तो फिर एक स्टेटमेंट ये भी होता है कि हूंस और इंडियंस के मिक्स्ड रेस है। लेकिन वो सबसे मोस्ट अनएक्सपेक्टेबल थ्योरी, अनएक्सेप्टेबल थ्योरी है, लेकिन कुछ किताबों में जरूर लिखा जाता है, ठीक है, और ये बात बेसिकली इसलिए मैंने बता दी। लेकिन सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी जो है वो वही है बेसिकली, सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी जो है वो बेसिकली वही है, दैट थ्योरी ऑफ प्रतिहार एंड दिस थ्योरी ऑफ अग्निकुंड, ये दोनों याद रखना आप। ठीक है, इसमें आइए अब देखते हैं एक एक राजपूत वंश को जो अलग अलग क्षेत्रों में है। गहद वलवाज, ये कन्नौज वाले क्षेत्र में है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी। ठीक है, इन्होंने बेसिकली पालाज को बिहार से, बिहार वाले क्षेत्र से बाहर किया था। ये पालाज कौन है, वहीं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में बिहार बंगाल वाले क्षेत्र में कौन थे, पालाज थे, उन लोगों को इन्होंने खत्म किया था। और ये सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं, मतलब ये सूर्य को अपना पूर्वज मानते हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ये सब राजपूत क्लैंस हैं। ठीक है,
चंद्रदेव इस वंश इस साम्राज्य के संस्थापक थे, फाउंडर थे इन 1090 AD। याद नहीं रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। गहदवलव वंश के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए जयचंद्र की। जयचंद 1170-94 AD इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कन्नौज के, और पृथ्वीराज थ्री, ये वही पृथ्वीराज थ्री हैं जिनको आप पृथ्वीराज चौहान कहते हो या राज पिथौड़ा कहते हो, राय पिथौड़ा कहते हो, ये यही पृथ्वीराज हैं, ठीक है, इनके कंटेम्प्रेरी थे। पता है इनको क्यों बताया गया है? क्योंकि आप लोगों ने कहानी सुनी होगी रानी संयोगिता वाला, ठीक है, संयोगिता जो बेसिकली जयचंद्र की बेटी थी, इनके लिए स्वयंवर अरेंज हुआ था, और कहा जाता है कि पृथ्वीराज थ्री बेसिकली उस स्वयंवर से जयचंद्र को भगा के लेके आए थे और शादी की थी। ये बात भी बेसिकली पृथ्वीराज रासू में ही चंद्रपरदाई जो इनके कोर्ट पोर्ट है उनके कुछ स्टेटमेंट से ऐसी बात, मतलब गूगल गूगल पे टाइप करोगे ना, मैं तो सरप्राइज्ड था कि मतलब मैं बचपन की अपने बात कह रहा हूँ, एक बात ध्यान से सुनना, मैं अपने बचपन की एक बात कह रहा हूँ कि भाई दूरदर्शन हुआ करता था, आई गेस उससे बाद की बात है, बीआर चोपड़ा की एक सीरियल आई थी, यूट्यूब पे देखना, बीआर चोपड़ा, ये वही बीआर चोपड़ा है जो यश चोपड़ा के पिताजी थे, तो ये बहुत ही बड़े लोग हैं बॉलीवुड के डायरेक्टरशिप की बात की जाए तो। इनके पुत्र यश चोपड़ा साहब अब इतने बूढ़े हो चुके हैं तो ये है नहीं, बट दे वेर अमेजिंग डायरेक्टर्स, बी आर चोपड़ा द सन, यश चोपड़ा, जिनकी अभी तक फिल्म देखी होगी ना अपने, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, ठीक है, तो बहुत बड़े लेवल के डायरेक्टर्स माने जाते हैं। उनकी एक सीरियल आई थी मैं दिल्ली हूँ, ठीक है, मैंने यूट्यूब पे देखा था मैं दिल्ली हूँ, उसको है उसके एपिसोड ज़्यादा नहीं बट मेरे को कहीं दिखा था वो, बट दैट इज एन अमेजिंग एपिसोड। उसमें भी बेसिकली, ठीक है, ये जयचंद्र और संयोगिता वाली जो सॉरी पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता वाली जो कहानी है ना उसका बड़ा गजब फिल्मांकन किया गया था, वो तो कुछ ज़्यादा ही फिल्में था, मतलब कुछ ज़्यादा ही फिल्में था, मैं बता भी नहीं पाऊंगा, ठीक है, दैट संयोगिता अपने सखियों के साथ जंगल में जा रही है, पृथ्वीराज चौहान बेसिकली शिकार खेलने गए हैं, अचानक से पृथ्वीराज चौहान अपने सारे साथियों से बिछड़ जाते हैं, वो घायल भी हो जाते हैं, संयोगिता उन्हें बेहोश पाती है, वो लेके उन्हें जाती है, फिर उन लोगों में स्नेह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, स्नेह स्नेहिल भावनाएं संबंध उनमें उत्पन्न होते हैं, और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान बेसिकली उनसे समथिंग लाइक दैट, मतलब ये चीज दिखाई गई है, एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि मतलब किस तरीके से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके बताया जाता है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि पृथ्वीराज रासो जो चंद्रपरदाई द्वारा लिखी गई किताब है उस किताब में, ठीक है, उस किताब में संयोगिता का थोड़ा सा वर्णन है और बाकी जो है ना एग्जैजरेशन है, बाकी जो है एग्जैजरेशन है, ऐसी बहुत सारी बातें हिस्ट्री में आप लोग को पता चलेंगी, खास करके मीडियबल में, और तब पता चलेगा कि क्यों मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी ही पढ़ा करो, लाल पीली किताबें मत पढ़ा करो। तो एक तो डाउट यहां पे खत्म कर दिया कि ऐसी कोई बात देखोगे ना, लव अफेयर ऑफ द पृथ्वीराज चौहान एंड द संयोगिता, तो ज्यादा उछलना मत, ठीक है, जो हकीकत है उसको ध्यान रखना, ठीक है, कि ऐसी कोई बात हमें पता नहीं है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो की कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से ऐसी एग्जैजरेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। यस संजय वही कह रहा हूँ मैं, ये मिर्च मसाला डाल के बना देते हैं। सुजल चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गोरी के डेथ के बारे में अजीब चीज लिखी, एग्जैक्टली वो भी बता रहा हूँ मैं सुजल, नाइस, वेरी नाइस। काजल 140 स्टूडेंट आर वॉचिंग दिस सेशन बट लाइक ऑन दिस सेशन इज ओनली 84 गाइज, प्लीज लाइक द सेशन, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यार काजल की बात मान लो, तुम लोग बेशरम टाइप के इंसान हो या स्वार्थी हो, खुद डिसाइड कर लो, गला फूट जाता है मेरा, कहाँ कहाँ से क्या मैं बेशरम हो या फिर स्वार्थी हो मेरे को बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के, एक लाइक नहीं होता तुमसे। अरे अनअकैडमी और कुछ नहीं देखती, उनके कोई लो मैं वो नहीं देख रहे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बुरा पढ़ा रहा हूँ उससे वो लाइक और सिर्फ कमेंट होता है, वही मैं भी देखता हूँ, गजब हाल यार, एक लाइक नहीं कर सकते तुम लोग, अगर खराब मैं पढ़ा रहा हूँ तो डिसलाइक भी करना, दैट वॉट एट द सेम टाइम आई एम टेलिंग, नहीं मैं एकदम फोर्स नहीं कर रहा हूँ लाइक करने के लिए, ठीक पढ़ा रहा हूँ तो लाइक करना, खराब पढ़ रहा हूँ डिसलाइक करना, दोनों बातें कह रहा हूँ, लेकिन कर देना कुछ भी यार प्लीज, दैट वॉट आई एम टेलिंग, ठीक है। सो चलो जयचंद, ये तो मिस संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान वाली कहानी हो गई, क्या हकीकत है मैंने बता दिया, गोरी वाली हकीकत पे आऊंगा तो और बताऊंगा। सो ध्यान रहे वो पृथ्वीराज थ्री बेसिकली जयचंद की जो बेटी संयोगिता थी ना उसको स्वयंवर से हर के लेके आए थे, और इसी वजह से कहा जाता है कि जब गोरी ने आक्रमण किया था ना पृथ्वीराज चौहान पर बैटल ऑफ तराई 1 और 2, तो जयचंद के मदद की वजह से, ठीक है, जयचंद ने मदद नहीं की थी और उसके पीछे एक रीजन कहा जाता है कि इसीलिए कि बेटी को हर के ले गए थे, नथिंग लाइक दैट, ठीक है, आते हैं आगे तो बताऊंगा, बट यस ये जयचंद जो बेसिकली थे वो गहदवलव वंश के थे, एक महान प्रतापी शासक,
कनौज वंश, वन ऑफ द राजपूत हु क्लेम्ड हिज एसेंडेंसी फ्रॉम द सूर्यवंशीज। ठीक है, जयचंद बेसिकली यही जयचंद जो आगे चल के ना मोहम्मद गोरी ने हराएगा 1194 में इन द बैटल ऑफ चंदावर। ठीक है, और बेसिकली वो गंगा में डूब के मर जाएगा, दैट वाज लाइक वही जयचंद है वो। ठीक है, बैटल ऑफ चंदावर देखेंगे हम आगे चल के, 1191 बैटल ऑफ तराई वन, 1192 बैटल ऑफ तराई वन टू जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारेंगे, और 94 में बेसिकली बैटल ऑफ चंदावर जिसमें इसी जयचंद को गोरी हराएगा, देखेंगे इसको आगे। बट यस, गैदवालाओं की कहानी। अब आ जाइए चौहान्स पे। चौहान बेसिकली इनका जो क्षेत्र था, गैदवालाओं का क्षेत्र तो कन्नौज था, चौहान्स का बेसिकली जो क्षेत्र था, सारी टाइमलाइन वही है, लगभग 1000 से लेकर 1200 एडी, थोड़ा सा इससे आगे या थोड़ा सा इससे पीछे, चमहांस या फिर चौहांस, प्रेजेंट डे राजस्थान वाला क्षेत्र, हु हैड देयर कैपिटल एट शकाम्बरी नियर जयपुर एंड लेटर शिफ्टेड इट टू अजमेर वाला क्षेत्र, देवर इनिशियली फ्यूडेटरीज ऑफ द प्रतिहार, प्रतिहार के सामंत थे ये। ठीक है, प्रतिहारों के सामंत थे, सामंत समझ रहे हो ना, फ्यूडेटरी सिस्टम, कि राजा महाराजा जमीन जायदाद दे के, ठीक है, अपने सिपह सालारों को बेसिकली जो रेवेन्यू कलेक्शन से लेकर और सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, इन्हें सामंत कहते थे। ठीक है, सो फ्यूडेटरीज कहते थे, तो प्रतिहारों के फ्यूडेटरीज थे अजमेर वाले क्षेत्र में पनपे। ठीक है, सिम्हा राजा ने इसकी नींव रखी किसकी, चामहान वंश की, 10वीं शताब्दी अराउंड द 10th सेंचुरी एडी, और महाराजा धीराज का टाइटल, ये टाइटल तो याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, फाउंडर का भी नाम नहीं याद रखते हो कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, पृथ्वीराज थ्री का नाम, सारा कहानी तो मैंने सुनाई दिया इसका, पृथ्वीराज थ्री या फिर राय पिथौड़ा। ठीक है, जयचंद ऑफ कन्नौज, इससे अच्छे संबंध नहीं थे, सारे संबंधों की कहानी मैंने तुम्हें सुना दी। जयचंद ऑर्गेनाइज्ड स्वयंवर, मतलब सिलेक्शन ऑफ ब्राइड ग्रूम, दूल्हे का चुनाव, स्वयंवर मतलब समझ रहे हो ना। ठीक है, सेरेमनी फॉर द मैरिज ऑफ हिज डॉटर संयोगिता, विच ही डिड नॉट इन विच ही डिड नॉट इनवाइट पृथ्वीराज थ्री, नहीं इनवाइट किया तो पृथ्वीराज थ्री लेके भाग गया, ऐसी कहानी कही जाती है, समथिंग लाइक दैट, ये सारी कहानी तो मैं बता ही चुका हूं। हाई हाउएवर ही वाज सक्सीडेड इन कैरिंग ऑफ द प्रिंसेस, राजकुमारी को भगाने में काफी सफल हो गए थे। हिज कैंपेन अगेंस्ट द चंडेल रूलर इन बुलदेल खंड एंड ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल टू चंडेला वॉरियर्स आल्हा एंड उदल, ठीक है, लॉस्ट देयर लाइव्स। ठीक है, मतलब ये सारी कहानियां बता चुका हूं, स्वयंवर से लेके भगा के चले गए, बी आर चोपड़ा साहब ने क्या दिखाया है, गूगल पे टाइप करोगे तो क्या मिलेगा, लेकिन हकीकत है वो क्या है, सारी बातें मैं तुम्हें बता चुका हूं। ठीक है, सो इस पे आगे नहीं बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक और बात कही जाती है, चंडेल अगेन वन ऑफ द राजपूत रूलर्स। ठीक है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड समझ रहे हो ना, दक्षिण उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, वहां पे चंडेलास थे। एक एक नाम याद रख लेना, ठीक है, सारे नाम नॉर्थ साउथ के मैं इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि यही नाम बेसिकली किसी क्वेश्चन में आ जाता है, किताब में आ जाता है ना, तो विचरण करने लगते हो कि अरे पता नहीं ये चंडेल कौन है, अरे पता नहीं ये चालुक्या कौन है, अरे पता नहीं ये गंगा कौन है, यादव कौन है, हर नाम गिन गिन के मैं बता चुका हूं तुम्हें। तो ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के राजपूत हैं चंडेल, इसके खिलाफ भी पृथ्वीराज थ्री अर्थात पृथ्वीराज चौहान जिसे आप कहते हो, उनका कैंपेन हुआ था, और इसी में दो चंडेल बहुत शक्तिशाली वॉरियर आल्हा एंड रुदल, इसका नाम सुना होगा ना तुम लोगों ने, आल्हा और रुदल का मिसाल दिया जाता है, वेरी स्ट्रांग पावरफुल वॉरियर्स, ठीक है, चंडेल की शासक, उनमें इनकी मौत हुई थी। आल्हा और पृथ्वीराज चौहान बेसिकली वो युद्ध जीते थे बुंदेलखंड के खिलाफ, चंडेलाज के खिलाफ। अच्छा, एक और बात, पीछे अगर मैं जाऊं, यहां पे एक नाम लिखा हुआ है, राय पिथौड़ा, जो भी दिल्ली का होगा ना, जो भी दिल्ली का होगा वो ये जानता होगा। ठीक है, जब आप दिल्ली में एक सेकंड, जब आप दिल्ली में साकेत की तरफ का क्षेत्र है, ठीक है, साउथ दिल्ली का एरिया है, वहां पे आज भी किला राज पिथौड़ा है, किला राज पिथौड़ा। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने उसे गल्फ कोर्स बना दिया है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का ही वो फोर्ट है दिल्ली वाले एरिया में। ठीक है, साकेत अगर कोई जानता हो साउथ दिल्ली वाले रीजन में, तो किला राज पिथौड़ा अभी भी है, ठीक है, उसके रिमेन्स है, उसे गल्फ कोर्स बना दिया गया है। बट यस, दैट राय पिथौड़ा वॉज बेसिकली दैट पृथ्वीराज चौहान थ्री, पृथ्वीराज, मतलब अगर दिल्ली कोई गया भी है ना, तो कुतुब मीनार की तरफ जब जाओगे ना, मेहरौली वाले एरिया में, ठीक है, तो उधर ये राय पिथौड़ा आपको दिखता है, रिमेन्स है कि दिल्ली में जो पृथ्वीराज चौहान के फोर्ट थे उसी का रिमेन्स है। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना, चौहान के बारे में ये बातें ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, ये मेहर मंदिर को भी ढूंढ निकाले थे, बिहार में ऐसे कोई सॉन्ग भी गाया जाता है आल्हा रुदल। यस दीक्षा, गाया सॉन्ग का तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये नाम बड़ा पॉपुलरली लिया जाता है आल्हा और रुदल, ध्यान रखना, दे वेयर नथिंग बट द चंडेल फाइटर्स, चंडेलास की तरफ की फाइटर्स थे ये। ठीक है,
अब संजय बाबू दीक्षा से ना अब सारी जान पहचान यहीं पे मत कर लो, ठीक है, बाद में कर लेना, और दीक्षा अगर इंटरेस्टेड होंगी तो कर लेना, ठीक है। द वर्ल्डली विंड, आपका नाम जानना चाहूँगा मैं, ठीक है। अब वो एक बात कह रही है लड़की, तुम उसके मतलब उससे हालचाल पूछने लगे अभी, ठीक है। सॉन्ग बहुत फेमस है आला रुदल, अच्छा ठीक है, ऑल राइट। वर्ल्डली विंड नाम बताओ यार, वर्ल्डली विंड बोलूँ तुम्हें मैं क्या, ठीक है। अच्छा दिव्या सिंह, ऑल राइट, चलो दिव्या, नाइस टू सी यू, ठीक है, मतलब जरूरी होता है ना। अरे संजय बुरा मत मानना यार, यार ये नहीं, ये नौटंकी है, मतलब मैं कुछ बोलूँगा ना सब ऐसे ही अपनी बतीसी है, ये फ्री के इमोजीज हैं, ठीक है, बुरा मत मानना, ऐसी कोई बात मैं कह दूँ तो दिल पे मत लेना यार, इतना तो कह ही सकता हूँ ना मैं तुम लोगों से, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ द थिंग्स, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद आ जाइए चौहान, सिनी के बारे में आप जानते हो, इन्हीं से बैटल ऑफ तराई बेसिकली, एक सेकेंड थोड़ा यार ठंड लग रही है, इन्हीं के साथ मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई। तराई क्या है बेसिकली, हरियाणा की तरफ बेसिकली एक क्षेत्र है करनाल के आसपास, तराई वाला क्षेत्र, ठीक है, तराइन कहते हैं इसे, ठीक है, अ प्लेस नियर करनाल इन हरियाणा 1191 AD, जिसमें बेसिकली पृथ्वीराज चौहान ने जबरदस्त तरीके से धो दिया था, ठीक है, किसको, गोरी को, गोरी और गजनी को वापस लाएंगे, बट चौहान की बात हो रही है तो बैटल ऑफ तराई, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई एंड सेकंड बैटल ऑफ तराई के बारे में बताना बहुत जरूरी हो जाता है, समझ रहे हो, ठीक है। चैट वैट मत किया करो यार, पढ़ लो तुम लोग प्लीज, ठीक है। खान साहब क्या बोल रहे हो, ऑल द बेस्ट मेघना, चुपचाप पढ़ाई करो, शुरू हो गए तुम लोग। रावण में लाख बुराइयां थी पर उसने कभी लाइव वीडियो चैट बॉक्स में आके बार बार एक ही मैसेज कॉपी पेस्ट नहीं किया था। आंसू यार ठीक है, चुपचाप एकदम पढ़ाई करो, देख लिया मैंने चैट बॉक्स ऊपर बढ़ते हुए ना, डिजिटली खून कर दूंगा मैं सब लोगों का, बता रहा हूं मैं, और आंसू आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ यू, ठीक है, एकदम चुप रहो सब, चैट में लगे रहते हैं बस हमेशा, ध्यान से देखो। सो बैटल ऑफ तराई, तराई इज अ प्लेस एक्चुअली नियर हरियाणा, ठीक है, तो हरियाणा में करनाल के आसपास में, ठीक है, बैटल ऑफ करनाल की भी बातें करेंगे। अच्छा एक बात तुम्हें ध्यान है, कभी सोचना, ठीक है, मतलब ये भी हरियाणा, मतलब ये ऐतिहासिक ऐतिहासिक लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, सेकंड बैटल ऑफ तराई, जो भारत का इतिहास बदल देगी, तो तराई भी बेसिकली हरियाणा में, तराइन कहते हैं, कुरुक्षेत्र भी हरियाणा में, ठीक है, पानीपत भी हरियाणा में, मतलब करनाल की लड़ाई नादिर शाह वाली वो भी हरियाणा में, मतलब ये सब वो लड़ाइयां हैं, पानीपत की तीन लड़ाइयां, ये सब वो लड़ाइयां हैं जिसने भारत का इतिहास बदल दिया है। इस लड़ाई को टाइमलाइन पे रखोगे ना तो इसके बाद का भारत, इसके पहले का भारत एकदम अलग हो जाते हैं। दे आर द हिस्ट्री क्रिएटिंग इवेंट्स, बैटल ऑफ तराई, बैटल ऑफ क्या कहते हैं कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नहीं वो तो महाभारत की लड़ाई है, तीन पानीपत के बैटल, बैटल ऑफ करनाल, ठीक है। एक बात मैं तुम लोगों के सामने क्वेश्चन के रूप में छोड़ना चाहता हूं, ठीक है, वर्चुअल मर्डर हो जाएगा, सही बता रहा हूं मैं, अब चुप, देख लिया मैंने चैट बॉक्स बढ़ते हुए ना, खून हो जाएगा सबका एकदम, डिजिटल मर्डर, ठीक है, तो सारी चीजें जब प्यार भी डिजिटल, आशीर्वाद भी डिजिटल, क्लास भी डिजिटल, तो खून भी डिजिटल, समझ रहे हो। सो एक बात मैं तुम लोगों के समक्ष छोड़ना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन, कि हरियाणा हमेशा, हरियाणा की भूमि हमेशा भारत के लिए मतलब सामरिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण क्यों रही, मतलब हर युद्ध, सामरिक रूप से मतलब स्ट्रेटेजिकली हर युद्ध बेसिकली हरियाणा की धरती पे सारे महत्वपूर्ण युद्ध जिसने भारत के भविष्य को बदल दिया है वो सब हरियाणा की धरती पे क्यों हुए, इसका कोई जियोपॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक रीजन हो सकता है क्या, सोचना, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, मैं अपने रीजन बताऊंगा, लेकिन ये नोट्स में अपने क्वेश्चन लिख लेना, प्लीज डिस्कस द स्ट्रेटेजिक रीजन बिहाइंड All the important historical wars in the history of India on the soil of the Haryana. ठीक है, example लिख देना, तराई का युद्ध, पानीपत के तीन युद्ध, करनाल का युद्ध, सब लिख देना, ठीक है। So battle of तराई, मोहम्मद गोरी बुरी तरीके से धो दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये actually जो मुद्दा था ना वो तबर हिंद वाला क्षेत्र था, तबर हिंद वाला क्षेत्र पाकिस्तान वाला एरिया था, ठीक है, उधर गोरी आना चाहता था। अब मैं ये सब बताना नहीं चाहता हूँ, गोरी गजनी को जब लाएंगे ना तो अच्छे से बताऊंगा मैं ये सब, ठीक है, अच्छे से बताऊंगा, अभी बस चौहान साहब को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद चौहान साहब एकदम खुश हो गए, ठीक है, बहुत खुश, क्या रे धो दिया यार गोरी को, क्या करा, कोई बात नहीं, बल्कि पंजाब वाले क्षेत्र में ना गोरी टिका रहा, पंजाब मतलब पाकिस्तान वाला क्षेत्र,
जो पंजाब का एरिया आज पाकिस्तान में है ना, वो वाले क्षेत्र में टिका रहा, और चौहान ने कहा हमें छोड़ो, आएगा तो धोएंगे यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसकी वजह से गोरी को ना फिर से रिकैपिटलाइज करने का, रिजुविनेट करने का टाइम मिल गया, ठीक है, और उसने दोबारा आक्रमण किया बैटल ऑफ तराई सेकेंड 1192 AD, पृथ्वीराज को धो दिया इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गए, और यहीं से भारत का इतिहास सदा के लिए बदल गया, क्योंकि यही गोरी आएगा और यही गोरी को छोड़ के जाएगा, जो छोड़ के जाएगा उसी को कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश की दुनिया शुरू होगी और गुलाम वंश की शुरुआत होगी और भारत और इस्लामिक सत्ता की शुरुआत हो जाएगी। सो एक ऐतिहासिक बैटल, एक छोटी सी नजरअंदाजगी जिसने भारत के इतिहास को सदैव के लिए बदल दिया, वो नजरअंदाजगी क्या थी? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बहुत लाइटली लिया। एक बात यह भी कही जाती है, ठीक है, कि भाई एक जो स्कंद थे, स्कंद पृथ्वीराज चौहान के मुख्य सेनापति, ठीक है, वो बेसिकली सेकंड बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं थे। चौहान ने कहा था भाई जरूरत नहीं है उसकी, हम धो देंगे ऐसे ही, ठीक है, गोरी को वहां से भगाने की कोशिश भी नहीं की। ये सारे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से, ये एक रीजन है स्कंद, ठीक है, जो कहा जाता है कि नहीं था। हो सकता है पृथ्वीराज चौहान ने कहा अबे उसको धो देंगे, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। सेकंड बैटल, ठीक है, सेकंड रीजन क्या है, एक और कारण बताया जाता है, क्या पृथ्वीराज ने सारे राजाओं को जो नॉर्थ इंडिया के लिए हेल्प के लिए मदद मांगी थी, लेकिन सब अलग रहे, ठीक है। इसमें एक नाम जयचंद का भी लिया जाता है जिसकी बेटी को ये भगा के लाए थे, प्रिज्यूमेबली, मतलब मानते हैं हम ऐसा कुछ हुआ होगा तो, ठीक है, इस पर दावा नहीं कर सकते हैं। और प्लीज YouTube के और Google के उन कंटेंट्स पे मत जाना, एक वेबसाइट बनाने में आज का खर्चा 5000 है, उस पर मैं वेबसाइट बना के लिख सकता हूं दैट आई एम द किंग ऑफ द इंडिया, दैट डजंट मीन दैट आई एम द किंग ऑफ द इंडिया, ठीक है। लेकिन मदद नहीं मिली थी, ये बात तय है, जयचंद वाली बात भी कही जाती है। सो तीसरा कारण क्या, पहला कारण तो हो गया स्कंद, दूसरा कारण कि भाई बाकियों का सहयोग किसी का नहीं मिला, तीसरा कारण कि भाई जो घूर्स थे मोहम्मद गोरी था, दे वर बेसिकली द टर्किश ट्राइब, बताऊंगा मैं उनके बारे में, ठीक है, कहां से कैसे लोग आए हैं, ज्यादा उस पर चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं अभी, बट यस वो टर्किश ट्राइब थे, उनकी जो कैवेलरी थी या फिर जो उनका मूवमेंट था बड़ा स्पीड, बड़ा फास्ट था, ठीक है, और स्ट्रांग जो उनकी कैवेलरी स्पेसिफिकली थी ना, उसका जवाब पृथ्वीराज चौहान के पास नहीं था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान एस्केप्ड बट वॉज कैप्चर्ड नियर सरस्वती मॉडर्न सिरसा, ये भी हरियाणा का एक जगह है, ठीक है। देखिए ये बात, यहां भी विवाद है, गूगल पे टाइप करोगे, दुनिया जहान जो भी टाइप करोगे ना, मतलब कहीं भी बहुत प्रकार की कहानियां आपको मिलेंगी, ठीक है, कि भाई पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी फिर उठा के ले गया था अपने क्या कहते हैं गजनी की ओर, गजनी मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान की बाउंड्री पर, वहीं पे वो उसी की राजधानी थी, सो उधर घुरीद एम्पायर वहीं पे था, गजनियों को खत्म करके, बताऊंगा मैं सारी कहानी, वहां पे उठा के ले गया था और वहां पे फिर मार दिया गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा, ठीक है। लेकिन ये विवादास्पद बात है, ये फिर एक पॉइंट ऑफ कंफ्लिक्ट है। पृथ्वीराज चौहान बेसिकली शायद से भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो पता है कि भाई, अब तुम यूट्यूब वगैरह पे देखोगे ना, इस पर तो गजब गजब सीरियल भी है, एक कहावत भी होती है कि भाई कुछ दोहे के रूप में, जब इनको ले जाके जेल में बंद किया गया होता है, ठीक है, उसी समय पृथ्वीराज चौहान को शब्द बेदी बांध चलाने आता है, इसके बगल में इसके कोर्ट पोएट चंद्र बरदई हैं, ठीक है, मोहम्मद गोरी सामने हैं, तो चंद्र बरदई जो है वो कुछ कविता के रूप में इनको संदेश देते हैं, ठीक है, कि भाई कुछ ऐसे कहा जाता है 4 गज 24 फीट ऐसे करके अंगुल अष्ट प्रमाण इतने पे बैठा है गोरी, मत चूको चौहान, इस तरीके से कहता है, और पृथ्वीराज चौहान जो अंधे हो चुके हैं तीर चलाते हैं और गोरी मर जाता है, ये पूरी मतलब जहां भी ढूंढोगे ना ये दिखाया जाएगा, तुम ढूंढ के देख लेना। एक दिन कोई इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक का डॉटर बोल रहा था, गजब बात है निधि, और तुम देख रही थी, मतलब तुम्हें दिख गया क्या? मुझे तो दिखता ही नहीं है, ऐसा खतरनाक स्टेटमेंट निधि कि भाई इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक का डॉटर कोई बोल रहा था, गजब बात है, ठीक है। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, मून क्या कह रहे हो, इंपॉर्टेंस है बिकॉज इट्स नियर टू द डेली एंड ऑल्सो अ प्लेन एरिया विच इज सुटेबल फॉर द वॉर्स एंड ऑल्सो अ फर्टाइल लैंड, सही बात है, अच्छी बात है, अभी तुमने बता दिया, ठीक है, बट इसके अलावा भी 2-3 बातें हो सकती हैं, ठीक है। शब्द बेदी बांध से गोरी को मारा था, हाँ वंदना एग्जैक्टली वही बात तो मैं कह रहा हूँ, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, एकदम सही बात बोला गोलू ने, यही बात एक्चुअली कही जाती है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान,
अब एक बात मेरे को बताओ, जेल में बंद था पृथ्वीराज चौहान, तो उसके पास तीर धनुष कहां से आया? ठीक है, अजीब सी बातें हैं, यूट्यूब पे देखोगे ना खूब दिखाया जाएगा, बट जहां तक जानकारी हमें है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, इट्स अ मैटर, इट्स अ डिबेटेबल इशू, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान सेकंड बैटल ऑफ तराई जो है ना, उसके बाद भी जो सिक्के गोरी के साम्राज्य, गोरी के काल में बनाए गए थे, जो कॉइन्स थे, उस पे एक तरफ गोरी की और दूसरी तरफ चौहान की तस्वीर थी। ठीक है, सो इससे कहा जाता है कि शायद चौहान उसके बाद भी जीवित थे। एक ऐसी बात भी कही जाती है कि भाई जो सिरसा वाला क्षेत्र है, ठीक है, हरियाणा का ही एक डिस्ट्रिक्ट है सिरसा, ठीक है, और सरस्वती नदी की बात की जाती है जिसके अवशेष हरियाणा में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, सो इसके आसपास उनको विक्षिप्त अवस्था में भटकते हुए भी कितनी बार देखा गया था, ऐसी बातें भी की जाती है। विक्षिप्त अवस्था मतलब लगभग, ठीक है, मतलब पागलों जैसी अवस्था में, ठीक है, सो ये बात भी कही जाती है। मतलब पृथ्वी गोरी ने चौहान को मारा कि नहीं ये पता नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और ये चार गज, ये जो स्टेटमेंट है, ये बेसिकली जो स्टेटमेंट है, चार बांस चौबीस गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ये तो खैर बॉलीवुड की बहुत ही हसीन खुराफात है। ठीक है, तो जरा ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात बता दो, सुमित सर की क्लास नहीं है ना, तो हम क्लास आगे एक्सटेंड करेंगे। एक बात मेरे को बता दो, बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन, एग्जैक्टली दैट व्हाट आई एम टेलिंग, जल्दी बता दो ना तो कि क्लास को आगे एक्सटेंड कर सके। ठीक है, ऑल राइट, इनके कोड पोर्ट वही है, इनका नाम तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, दैट वाज चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई एक थे, एंड जयंक का भी एक नाम याद रखिएगा, इन्होंने पृथ्वीराज रासो एंड पृथ्वीराज विजय जयंक ने लिखी थी, और चंद्र बरदाई लिखी गई थी पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। ठीक है, जयंक का एक नाम याद रखिएगा, चंद्र बरदाई तो बेसिकली लगभग नहीं ही रहता है। ठीक है, अच्छा क्लास नहीं है ना, नो सर, चलो ठीक है, हम कंटिन्यू रहते हैं फिर आगे। ठीक है, क्योंकि ये राजपूतों वाली कहानी खत्म करके ही आज दम लेंगे। सो दैट वाज चंद्र बरदाई एंड दिस जयंक। ठीक है, जयंक याद रखना, चंद्र बरदाई तो फिर भी याद रहता है। सो दैट वाज बेसिकली चामहांस। अब आ जाइए सोलंकीज पे। ठीक है, चालुक्याज ऑफ गुजरात, चालुक्याज तुम्हें पता है ना, कितनी बार तो पीछे मैं बता चुका हूं, ये भी राजपूत ही थे, या मैप में जो बेसिकली गुजरात वाले एरिया में आप कह सकते हो कि जो वेस्टर्न चालुक्यास थे, बादामी वाले या वतापी वाले। ठीक है, दो चोलास ने उन्हें खत्म किया था, लेकिन फिर भी उनके रिमेन्स जो बचे हुए थे, देवेर ऑल्सो द राजपूत। सो गुजरात वाले क्षेत्र में इन्हें देखा गया, या फिर सोलंकी राजपूत इन्हें कहते हैं। सो सोलंकीज, चावहांस, गहद वलवाज, ये सब नाम हिस्ट्री में जब भी आएंगे ना, इनको राजपूत तुम्हें मानना है, और इनका पीरियड बेसिकली क्या मानना है तुम्हें, 1000 to 1200 AD, राइट। सो इट वॉज इन्हीं के रेन में, मतलब सोलंकी चालुक्या जो फिर गुजरात है ना, इन्हीं के रेन में बेसिकली महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड गुजरात एंड प्लंडर्ड द सोमनाथ टेम्पल इन 1025 AD। बताऊंगा, गजनी गोरी को लेके आएंगे और सब कुछ लुटवाएंगे, बार बार लुटवाएंगे, बट ध्यान रखिएगा। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर ये भारत है, गोरी गजनी इधर से आएंगे और ये यहां पे अगर हैं, तो इन्हीं से तो भिड़ंत होगी ना। सो इन्हीं के दौरान बेसिकली चालुक्याज में शासक का भी नाम तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं बेसिकली अभी गोरी गजनी को लाना नहीं चाहता बीच में ज्यादा, क्योंकि राजपूतों को हमें हैंडल करना है इसलिए, बट हाँ ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि सोलंकी जो गुजरात ने फेस किया था बेसिकली किसको, गजनी को। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देन यू हैव दिस दिलवारा टेम्पल, समझ रहे हो ना, माउंट आबू, दिलवारा टेम्पल, ये सब पता होगा। इट वॉज बेसिकली बिल्ट, ठीक है, इन 1031 AD बाई हिज मिनिस्टर नेम्ड विमल शाह, विच वॉज डेजिग्नेटेड बाई वस्तुपाल तेजपाल एंड इज डेडिकेटेड टू जैन तीर्थंकर लॉर्ड ऋषभ। ऋषभनाथ पता है ना, ठीक है, अब ये मत कहना कि नहीं पता है, और जो नए लोग हो ना, प्लीज जाके एंसिएंट वाली क्लासेस कर लेना। ठीक है, सो ऋषभनाथ, जैन तीर्थंकर, सन टेम्पल मोढ़ेरा में, राजस्थान वाले क्षेत्र में, या फिर अब दिलवारा टेम्पल काफी फेमस है। ठीक है, ये बेसिकली किसकी देन है, सोलंकीज की ही देन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद तोमर्स पे आ जाइए, तोमर्स। ठीक है, चमहान हो गया आपका, सोलंकीज हो गए आपके, ठीक है, नथिंग मच इज देयर। तोमर्स पे आ जाइए, दिल्ली वाला क्षेत्र इनका है, दिल्ली में आज भी ये बहुत पॉपुलर टाइटल है, तो ये टाइटल आज जो आप सुनते हो तो आज के बाद ध्यान रखना, दे वेयर वन ऑफ द प्रोफाउंड राजपूत डायनेस्टीज इन द रीजन्स ऑफ द दिल्ली। ठीक है, दे वेयर द फ्यूटेडरी टू द प्रतिहार, सबको प्राइमरीली प्रतिहार का ही सामंत मानते हैं, इसलिए बेसिकली राजपूतों के ओरिजिन की बात होती है ना, तो सबसे जो फंडामेंटल थ्योरी है वो यही है
कि बेसिकली ये प्रतिहार ही इनके पूर्वज रहे हैं, समझ में आ रही है बात। सो दैट इज तोमर्स, दिल्ली का पुराना नाम दिल्ली वॉज फाउंडेड बाई द तोमर्स इन 736 AD, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान रख लेना, दिल्ली का या दिल्ली तोमर्स की ही स्थापना है मध्यकालीन भारत के समय। उसके बाद जब कुतुब मीनार अगर कोई गया होगा ना, तो आयरन पिलर, एक कुतुब मीनार के पास आयरन पिलर है, ठीक है। कौन सी फिल्म थी, एक बड़ी अच्छी फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, मैंने देखी थी, उसमें कुतुब मीनार आयरन पिलर को पकड़ने का कुछ कंसेप्ट होता है, कोई सीन होता है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, आई गेस चीनी कम, बड़ी अच्छी लगी थी मेरे को फिल्म, ठीक है। इट वॉज डेफिनेटली अ वेरी फ्रेश कंसेप्ट और अमिताभ बच्चन तो था ही, एंड तबू वॉज देयर, राइट, चीनी कम। तो मुर्गा दोस्त वही जो जिसने गजनी बनाई थी उन्हीं की फिल्म थी, अगेन ही आई ऑलवेज कम्स आउट विद समथिंग वेरी न्यू, ठीक है, कंसेप्ट उनका, जैसे पा भी उन्हीं की फिल्म थी चीनी कम, तो उसमें वो आयरन पिलर को दिखाया गया था। इनफैक्ट मैंने तो बहुत बार देखा है, बट ये मूवी अचानक से मेरे दिमाग में आया था। तो आयरन पिलर एट मेहरौली रेफर्स टू दिस देयर फेमस रूल नेम अनंगपाल, ये तोमर का ही, तोमर शासक अनंगपाल तोमर, हुज कॉइन्स बियर द टाइटल ऑफ द श्री सामंत देव। सूरजपाल हुआज अनदर फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी बिल्ट सूरजकुंड रिजर्वायर, हरियाणा में जो सूरजकुंड रिजर्वायर है ना, वो सूरजपाल या अनंगपाल थोड़ा सा याद रख लेना, समझ में आ रही है बात, नथिंग मच इज इंपॉर्टेंट, बट यस ये थोड़ा सा दिल्ली की स्थापना से संबंधित तोमर्स का नाम है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। सुजल को मेडिवल में सबसे मस्त बलबन लगता है, आते हैं बलबन में, ठीक है, घबराते क्यों, आ ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चंदेलों पे आ जाओ, ठीक है, चंदेल पे आ जाओ, दैट वॉज आई एम टेलिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खजुराहो का नाम सुना है तुम लोगों ने, ठीक है, मतलब खजुराहो टेम्पल, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। इज नोन फॉर सम वेरी एक्सक्लूसिव एंड दिस इरोटिक पेंटिंग्स, खजुराहो टेम्पल, देखना चाहता हूं मैं, सुना तो होगा ये डेफिनेटली, नहीं सुनने वाली तो कोई बात है नहीं, ठीक है। सो खजुराहो टेम्पल बेसिकली चंडेल शासकों का जब भी नाम आता है ना, तो इनमें इन्हीं का है, बेसिकली चंडेलों का ही आता है। ये बेसिकली चांद्रत्रेय, मतलब मून डिसेंडेंसी क्लेम करते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी ये सब कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। चंडेल शासक मध्य प्रदेश इनका क्षेत्र था, ये भी प्रतिहारों के ही फ्यूडेटरीज थे। तो देख रहे हो ना, ये सारे जो राजपूत क्लैंस हैं, दे आर बेसिकली द सामंत ऑफ वॉट राजपूत्स, ठीक है, सॉरी प्रतिहार। तो इसलिए सबसे जो फंडामेंटल थ्योरी इनके ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है ना, वो यही होता है कि ये राजपूतों का जन्म बेसिकली दे आर एक्चुअली दे ट्रेस देयर एंसेस्ट्री फ्रॉम द गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। बुंदेलखंड प्रतिहार के समाप्त होने के बाद, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो साउथ यूपी और एमपी से अटैच्ड एरिया है ना, वहीं इनका किंगडम रहा। यशो वर्मन एक नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कलिंजर फॉरेस्ट, छोड़ो, नॉट इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं। चंदेल को सिर्फ एक चीज के लिए जाना जाता है, ठीक है, ये जो यशो वर्मन है ना, इन्हीं के रेन में लक्ष्मण टेम्पल, खजुराहो का जो टेम्पल है, बना था। और खजुराहो टेम्पल जाना जाता है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, मतलब इज नोन फॉर सम वेरी एक्सक्लूसिव एंड इरोटिक पेंटिंग्स एक्सप्रेसिंग एंड लाइक मतलब क्या कहते हैं, जो स्कल्पचर्स हैं, जो वॉल पेंटिंग्स हैं, ठीक है, या इनग्रेविंग, जो इनग्रेवमेंट्स हैं, खुद मतलब खुदवा देना चट्टानों में ही, ठीक है, वो बेसिकली पेंटिंग्स देर वेरी इरोटिक काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, मतलब बहुत क्या कहते हैं, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट पेंटिंग्स हैं, ठीक है, जो एक्चुअली आप वर्चुअली देख सकते हैं खजुराहो टेम्पल में, ठीक है। सो दैट वॉज बेसिकली दैट लक्ष्मण टेम्पल भी कहते हैं, ये चंदेल वंश, यशो वर्मन जो शासक थे ना, इन्हीं की देन थी, दैट फॉर दैट बेसिकली दैट खजुराहो टेम्पल इज नोन, ठीक है। तो चंडेलाज का नाम याद रख लेना। अच्छा, जो अग्निकुल कुंड, अग्निकुल कुंड मतलब अग्निकुल राजपूत क्लैन, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, जो अग्निकुल वाला थ्योरी था ना, उसके अनुसार एक बात थोड़ा सा ये देख लेना, कभी कभी मान लो किसी एग्जाम में आ जाए तो बिना मतलब की टेंशन ना हो। प्रतिहार, चौहान, सोलंकी, परमार्स, इनको अग्निकुल राजपूत कहा जाता है। प्रतिहार मैंने तुम्हें पता ही पहले ही पढ़ा है, हमने चौहान पढ़ाई है, सोलंकी पढ़ाई है, पढ़ी लिया, परमार्स देखना है हमें, ठीक है। सो इनका क्षेत्र भी यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छे से जरा नोट में लिख लेना, प्रतिहार, अग्निकुल राजपूत इन चारों को बेसिकली कहते हैं, ठीक है। सोलंकीज बेसिकली अब देख ही लिया, काठियावर वाला इनका क्षेत्र था, और चंदेल तुमने देख ही लिया, परमार्स के बारे में मैं बता देता हूँ, तो दे आर बेसिकली नोन एज। अरे भाग गए तुम लोग क्या, अभी तो कह रहे थे कि 9 बजे के बाद क्लास करनी है, नहीं पढ़ाना तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा।
हो या चले गए, गजब इंसान हो यार तुम लोग भी, यही है माधव। यही है सब, यही है। अच्छा ठीक है, तो कंटिन्यू करूंगा मैं थोड़ी दूर और आगे, अभी रुक जाना। ठीक है, अभी कोई नहीं भागेगा, क्लास तो है नहीं वैसे भी। ठीक है, यस निधि देख लिया मैंने आपको। सर क्लास एंड कीजिए। क्यों भाई थोड़ा सा आप क्यों एंड कर दें, आपको कहीं जाना है क्या? 10 मिनट पढ़ नहीं सकते हो? मतलब जिंदगी तो मेरी तुम्हारे हिसाब से मैं चलूंगा, कोई जरूरी काम है तो चले जाओ, लेकिन ऐसा क्यों कह देते हो क्लास एंड कर दो सर 10 मिनट? मतलब मैं क्यों खून पसीना एक कर रहा हूँ, हर दिन 2 क्लास क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि तुम लोगों का वो गुरुकुल 2 का हिस्ट्री का कंप्लीट पैकेज है वो हो जाए। सोनू मिश्रा प्लीज, थोड़ा अगर तुम्हें कुछ जरूरी है ना चले जाओ तुम, मतलब बाद में देख लेना। ठीक है, अच्छा तो राजपूतों में बेसिकली थोड़ा सा एक बात देख लो कि भाई इनका जो लिमिटेशन, क्यों नहीं ये इंटीग्रेट हो पाए, पहले तो आपसी कलह। ठीक है, थोड़ा सा फ्यूडल माइंड सेटअप, सामंतवादी, ठीक है, जो इनकी विचारधाराएं थी, हर कोई सामंतवादी, मतलब सामंतवादी मतलब राजा नहीं ना, राजा के नीचे के ही लोग हैं, समझ में आ रही है बात? आपसे चिढ़ के हम कहां जाएंगे, भावना ये देखिए लड़की को, मतलब लिखती भी है, कोई लवेबल स्टेटमेंट भी लिखती है, तो इसने क्या लिखा ये देखो, सर आपसे चिढ़ के हम कहां जाएंगे, लड़की गजब हाल है भाई। हाँ शिव सही कह रहे हो तुम, ललितादित्य वो कश्मीर वाला यशो वर्मन से जीता था, एग्जैक्टली मैंने बताया था तुम्हें। ठीक है, अच्छा आगे बढ़िए। सो थोड़ा फ्यूडल माइंड सेटअप तो इनका था ही, फ्यूडल माइंड सेटअप मतलब वो सामंतवादी कि भाई राजा हम बड़े समथिंग लाइक दैट। तो आपस में इनके कन्फ्लिक्ट और क्लासेस तो बहुत होते चले गए। ठीक है, दे फॉट विद ईच अदर, ये इनको मतलब कभी भी इसने इंडिया को इंटीग्रेट करने वाला कैरेक्टर तो दिखाई नहीं, एक ब्रॉड जो बड़ा राजनीतिक दृष्टि है वो इनमें कहीं नहीं दिखी, वही फ्यूडल माइंड सेटअप। ठीक है, छोटा सा राजा वाला गुण इनमें कहीं दिखा नहीं, फोर साइटेडनेस कहीं नहीं दिखी। ठीक है, राष्ट्रीय जागरूकता नहीं, मैं तुम्हें हराऊंगा, मैं गहदवलो कहता है कि भाई मैं चौहान को हराऊंगा, चौहान कहता है मैं सबको हराऊंगा। ठीक है, आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, नेशनल कॉन्सियसनेस, राष्ट्रीय जागरूकता की इनमें बेसिकली बहुत ज्यादा कमी थी, जिसकी वजह से ये कभी भी यूनिफाइड इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर सके, वही लिमिटेशंस ऑफ राजपूत के रूप बारे में ये बात कही जा रही है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पैरेलल में चल रहे आक्रमण है, किसके, अरेबियन इन्वेडर्स के, मुस्लिम इन्वेडर्स के पैरेलल में चल रहे जो आक्रमण है, ठीक है, इसकी वजह से तो अनडाउटेडली जो राजपूत सेना कभी इंटीग्रेट हो नहीं पाए, ये तो बात तय है। समझ में आ रही है बात कि वो इन्वेजन्स जो पैरेलल में, इधर हम राजपूत पढ़ रहे हैं, राजपूत को पढ़ रहे हैं, इधर पैरेलल में क्या हो रहा है, इस्लामिक इन्वेजन चल रहा है ना, सो इसकी वजह से भी कहा जाता है कि मतलब ये कभी भी यूनिफाइड इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे। ठीक है, अच्छा मिसटाइप हो गया था माधव। तुम एक बार मिसटाइप करो और यहाँ पे जो हार्ट बीट है ना, वो उसमें कितना भयानक परिवर्तन आता है तुम्हारे उस मैसेज की वजह से, पता है? मैं लिखती है कि सर हिस्ट्री स्टोरी जितना सुनो कम ही पड़ता है। सर संजय बाबू, स्टोरी है लेकिन वो स्टोरी एक्चुअली सही तरीके से सुनाई जाए तो ज्यादा जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चंस भी बनना चाहिए, सिर्फ कहानियों का सिलसिला ना चले तो ठीक रहता है। ठीक है, अच्छा राजपूतों के महत्व के बारे में अगर थोड़ा सा तुम डिस्कस करो तो क्या कह सकते हो? ठीक है कि भाई हिंदू रिलीजन को इन्होंने डिफेंड किया, ठीक है, जब तक कर पाए, जब तक हैजान समथिंग लाइक दैट, हिंदू रिलीजन को इन लोगों ने डिफेंड किया। ठीक है, और उसके बाद और फर्दर क्या कह सकते हो, वॉरियर्स तो जबरदस्त टाइप के थे ही। ठीक है, सो इवन राजपूत वुमेन इंजॉयड कंसिडरेबल फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट इन दियर सोसाइटी, राजपूतों में देखा गया, ये बात डेफिनेटली है कि राजपूत एम्पायर्स में या डायनेस्टीज में महिलाओं की पोजीशन बड़ी सशक्त थी। अब देखते हो ना, जोधाबाई टाइप के लोग, ठीक है, थी, इसमें कहीं से कोई एक बड़ा ये डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर था इनके समय का कि द कंडीशन ऑफ द वुमेन वॉज क्वाइट लाइक क्या कहते हैं, इंथुसियास्टिक इन दियर सोसाइटी, दैट वॉज देयर। ठीक है, महिलाओं के बारे में जौहर वाली प्रथा तो तुम जानते ही हो कि भाई जब भी आक्रमण होते थे और लड़ाइयां होती थी तो चिताएं जलती थी महिलाओं की, वो कूद जाती थी, जौहर की वो परंपरा। ठीक है, तो ऐसा मतलब फिल्म देखा है ना, बहुत सारी फिल्मों में ऐसा जौहर करते हुए, दीपिका पादुकोण को भी ऐसा जौहर करते हुए देखा होगा। ठीक है, दैट वॉज लाइक एन यूथेनेज, दैट वॉज अ काइंड ऑफ सुसाइड विद प्राइड। ठीक है, मतलब आक्रमण कर दिया, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, राजा रतन सिंह, ठीक है, और दिस पद्मावत,
ठीक है, बताऊंगा उसके बारे में, मलिक मोहम्मद, जैसी, पद्मावती बताऊंगा। तो जौहर मतलब महिलाएं कूद जाती थी जस्ट टू प्रोटेक्ट दियर, मतलब चेस्टिटी, अपनी पवित्रता को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, कि भाई वो आएगा तो अब प्यार तो करेगा नहीं, खिलजी आएगा तो डेफिनेटली प्यार तो करेगा नहीं, ठीक है, तो फिर इसलिए वो जौहर कमिट करती थी बेसिकली, राइट। सो दैट्स ऑल, इतना ही रहने देते हैं, मुझे लगता है तुम लोग भाग गए हो यार, मेरे को मन नहीं करता फिर जब ये जो कैरेक्टर तुम लोगों का देखता है ना, इस एब्सोल्यूटली मतलब डिसहार्टनिंग, ठीक है, हो नहीं, अब मैं रहने दो यार इसको, मतलब अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो बेसिकली अरेबियन इन्विजन्स के बारे में मुझे बताना है, अरेबियन इन्विजन्स के बारे में बताना है तो ये कहानी अब कल से शुरू करो कृपया करके, ठीक है, मैं जो मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ ना उसको थोड़ी सी डिग्निटी दे दिया करो यार, ठीक है, अब ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। एनीवे चलो, जाते जाते इतना जरूर बताना चाहूंगा कि ये मेरा एडुकेटर कोड जरा थोड़ा या टेलीग्राम चैनल याद कर लेना, ठीक है, इससे जुड़ जाना, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, अच्छे से मेडिवल के नोट्स बना लेना यार, मतलब जो मैं कर, मेरी मेहनत को थोड़ी सी मतलब अगर एफर्ट तुम लोगों से मिल जाए तो फिर समझ में वहाँ क्या होगा। तो ये टेलीग्राम चैनल, इससे नए लोग जरूर जुड़ जाना, एंड दिस इज माई एडुकेटर कोड ARG101। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के समय आप यूज करते हो तो 10% ऑफ तो आपको मिलता ही मिलता है, मोर देन दैट आपको मैं एंटर कर सकता हूँ, ये एक फैसिलिटी मुझे अनअकैडमी की तरफ से मिलती है। सो रिमेंबर दिस AR101, सब्सक्रिप्शन के अलावा स्पेशल क्लासेस में आपको आना है, इससे एंट्री मिल जाएगी, कॉम्बैट दिया करो स्कॉलरशिप टेस्ट के रूप में, स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको एंट्री इस कोड के थ्रू मिल जाएगी, यूज़ किया कीजिए और इस टेलीग्राम से जुड़ के रहा कीजिए, ठीक है, बातचीत किया कीजिए, सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, अपने अंदर खुद से संविधान मत लिखिए, ठीक है, संविधान में लिखा गया था ना तो लगभग 3 साल लगे थे और लगभग 350 लोगों ने मिलजुल के वो काम किया था, तो मैं तो कह रहा हूँ कि बस थोड़ा सा अपनी सफर में मेरे को साथ लेना है, दैट्स इट, ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं, और ध्यान रहे कि कल अब तो दो मेडिवल वाली ये क्लास तो होगी 5 बजे और 8 बजे, ठीक है, कल 7 बजे NCERT भी शुरू हो रही है, सो एक नई कॉपी NCERT के लिए भी सब लोग लेके एकदम जबरदस्त तरीके से तैयार रहना, कल 7 बजे से NCERT भी है, तो कल यू हैव 3 हिस्ट्री क्लासेस, 5 बजे ये मेडिवल वाला सेगमेंट, 8 बजे फिर ये मेडिवल वाला सेगमेंट, और 7 बजे यू हैव द NCERT सेगमेंट, ठीक है, तो चलो इसी के साथ, और उससे पहले तो 12 बजे दैनिक जागरण में मिलूंगा आप लोगों से, ठीक है, तो बस इतना ही, चलते हैं आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, और थोड़ा सा प्रॉपरली क्लासेस कर लिया करो, दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से, ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।